The people all over the world are all on their own. The governments have been ripped and the whole world is total anarchy. This newly spread mutated coronavirus is way more dangerous than its previous one and is killing people within 24 hours. मरीजों की संख्या देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है. सभी हॉस्पिटल्स फुल हैं और लोग सड़कों पर मर रहे हैं. मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज डाइड. मैंने तुम्हें नीचे आने से मना किया था. दीदी को बहुत तेज खांसी हो रही है. मैंने तुम्हें क्या सिखाया था. Thank you.
यू हैव अर्न द मैप विच ब्रॉट यू हेयर। ये एक 10 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रेट नैरो लेन है जिसे तुम्हें पार करना है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एक ही तरीका है, दैट यू रन थ्रू आउट। ये रोबोट जो तुम्हारे पीछे खड़ा है एक स्टॉर्म ट्रूपर नहीं बल्कि एक एडवांस्ड रोबोट है जो अपने चारों ओर 2 मीटर डायमीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर कोई भी चीज़ इंक्लूडिंग यू उस रेंज में आएगी तो पिघल जाएगी। ये रोबोट 10 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ेगा, सो यू नीड टू मेंटेन एटलीस्ट दिस स्पीड टू गेट अ प्रॉपर डिस्टेंस। Hope you make to residence S4 and meet level 4 survivors of your type. Now run. विक्टर, एक नया सर्वाइवर आया है। पिछले 30 दिन में एक ही सर्वाइवर आया है, तुम। इससे पता चलता है कि हम जैसे बाहर बहुत कम बचे हैं। खैर, तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद है? मेरी कोई लाइफ थी भी या नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि रूम को तोड़कर किसी से लड़के और मेज से भाग कर आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ खुद आए हो? तुम यहाँ लाए गए? मेरा नाम विक्टर है, मैं एक लेवल 4 सर्वाइवर हूँ। एक तरह से मैं उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ। अगर यहाँ कोई नया सर्वाइवर आता है तो मैं ही उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बताता हूँ। जब पूरी दुनिया में वायरस फैल गया और लगभग सारे लोग मर गए, तब सिर्फ 2 तरह के लोग बचे। एक वो जिनकी बॉडी उस वायरस के लिए इम्यून थी, दूसरे वो जो बहुत अमीर थे। उन्होंने अपने रहने के लिए एक बॉक्स बनवाया, ग्रीन हाउस की तरह। अब वो हम जैसों को पकड़ते हैं ताकि लेवल 1 वालों के लिए हम खेती करें और उनके नौकर बने रहें। भगवान ने हमें अर्थ पर रहने का हक दिया था और उन्होंने हमसे छीन लिया। जब भी ये लोग किसी हम जैसे को पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसकी मेमोरी मिटाते हैं, फिर उसके डिफरेंट टेस्ट लेके यहाँ पहुँचा देते हैं ताकि हम उसके नौकर बन सकें। तो तुम लोगों ने कभी अपोज नहीं किया? 2 साल पहले हमने विद्रोह की कोशिश की थी, हम 2 दिन भी नहीं टिक पाए। उनके पास बहुत बड़ी फौज है, बहुत हथियार है, कईयों को उन्होंने फांसी पर लटका दिया सबके सामने। और हमारी फैमिलीज, उनका क्या होता है हमारे पकड़ने के बाद? वो उन्हें मार देते हैं और अपनी मेमोरी मिटा देते हैं। अगर हम सबकी मेमोरी आने से पहले मिट जाती है तो तुम्हें ये सब कैसे पता?
जब 2 साल पहले विद्रोह हुआ था तो मैं लेवल 2 और लेवल 3 के सीक्रेट रूम तक पहुंच गया था। वहां मुझे बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। लेवल 1 में वो रहते हैं जो सब कुछ गवर्न करते हैं, लेवल 2 में आर्मी रहती है, लेवल 3 में अपर मिडिल क्लास फैमिलीज और उनके बच्चे रहते हैं, लेवल 4 में हम जैसे मजदूर रहते हैं। लेवल 1, 2, 3 वाले खुली हवा में नहीं घूम सकते क्योंकि वायरस का खतरा है, तो वो ग्लास चैम्बर्स में रहते हैं, ये इम्यून नहीं होते। तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ याद है? नहीं। मुमकिन है तुम्हारी कोई फैमिली वायरस से बची नहीं होगी, और बची भी होगी तो उन्होंने मार दी होगी। सर, लेवल 2 और 3 में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है, आपको देखना चाहिए। इसी समय हम सब लेवल 4 सर्वाइवर्स ने विद्रोह कर दिया। हमारे कई साथी मरे, भयंकर जंग हुई, पर आखिरकार हम जीत गए। पर हमें क्या पता था कि एक बहुत बड़ी जंग हमारा इंतजार कर रही है। अजीब सपना था। हाय, आई एम मोहित एंड आई एम एन इंजीनियर। इसके साथ मैं एक एस्पायरिंग स्टोरी टेलर भी था। मैंने एक साथ 2 नॉवेल लिखना शुरू किए थे, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाए। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, किंग फिल्म्स, जिस पर मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं चली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हुए भी मुझे गांड घिसकर कोडिंग करनी पड़ी, तब जाकर जॉब मिली, जो कि फाइनली मैंने छोड़ दी अपना पैशन फॉलो करने के लिए। अब मैं घर पे रहता हूँ, घर वालों की गालियाँ सुनता हूँ, और हाँ, पैशन से तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर से जॉब ढूंढूंगा। बट वॉट इज स्पेशल अबाउट मी? कुछ तो होगा, तभी तो ये मूवी मुझ पर बनी है। आई हैव गॉट ड्रीम्स, मुझे सपने आते हैं, विच जनरली कम ट्रू। दूसरों को भी आते होंगे, मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने नोटिस ना किया हो,
I don't know. But there is a problem with my dreams. Or with me. I could only remember 20 to 30% of my dream after waking up. I generally put these dreams in one of my three categories. First, future wala dream, jo ki future mein sahi ho sakta hai. Second, story wala dream, jis dream ki help se main koi story build kar sakta hun, koi novel likh sakta hun. And third, nothing, jo dreams bas aise hi aate hain, wo kuch bhi nahi hote, yaad bhi nahi rehte. So that's it, this is how my life is going. चलो फिर यार चलते हैं, सुबह की सब्जी भी मुझे ही लानी होती है. बाय. Had I stopped the pandemic, or I took an alternate path?